प्रोग्राम से लेकर हर इरिगेशन प्रोजेक्ट या सड़क या रेलवे या हवाई जहाज अड्डे ये सब सारे बनाए, इसीलिए इस देश में युवाओं को नौकरी देने के लिए पूरा दुनिया में सबसे ज्यादा युवा है हिंदुस्तान में, कुछ कम 50% हिंदुस्तान में युवा है। वो युवा भविष्य आज नरेंद्र मोदी के हाथ में, नरेंद्र मोदी और अमित शाह दोनों पूछ कर साजिश चला के ये युवाओं को एक खतरे में डालने के लिए कोशिश कर रहा है। इसीलिए ये लोग जो आर्मी हिंदुस्तान का जो रक्षा है, वो रक्षा के लिए कांग्रेस पार्टी ने एक पॉलिसी बनाकर हिंदुस्तान को रक्षा किया हुआ है। आजू बाजू देशों से यहाँ चीना या पाकिस्तान और कहीं से कतरा है तो इस देश को बचाने के लिए आर्मी रिक्रूटमेंट एक पॉलिसी बनाकर एक भरोसा देकर हिंदुस्तान के युवाओं को आर्मी में भर्ती किया जा रहा है। वैसे ही हिंदुस्तान में जो कॉरपोरेशंस बनाए, जो नवरत्न बनाए, ये सब सारे सेक्टर्स में नौकरी देने के लिए सरकार के, वो भी केंद्र सरकार के अंदर ये पूरा नवरत्न बनाया। इसीलिए ये एससी एसटी रिजर्वेशंस देकर हर जगह में दलितों को, आदिवासियों को नौकरी देकर ये हिंदुस्तान तरक्की में एससी एसटी और बीसीओं का उन लोगों का इन्वॉल्वमेंट किए। मगर आज के तारीख में दो लोग मिलकर दो दोस्तों को ये हिंदुस्तान को बेचने का काम में लग गए। अदानी अंबानी को ये देश हवाला करने के लिए ये नरेंद्र मोदी अमित शाह ने कोशिश कर रहा है। इसीलिए ये डिफेंस सेक्टर में 100% प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को लेकर आए और आज के तारीख में जो अग्निपथ के नाम पर 4 साल आर्मी में भर्ती करने के लिए कोशिश कर रहा है, ये आगे धीरे धीरे जाने के बाद ये भी प्राइवेटाइजेशन करने के लिए सोच रहे हैं नरेंद्र मोदी और अमित शाह। वो भी कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा अदानी या अंबानी को देने वाले हैं। इसका मतलब ये देश में युवा को नौकरी नहीं मिलने वाले, ये नरेंद्र मोदी अमित शाह अगर कुर्सी में बैठे। इसीलिए आज यहाँ पर ये सरकार के खिलाफ लड़ने के लिए श्रीमती सोनिया गांधी, राहुल जी जो काला कानून किसान के खिलाफ लाए, 14 महीने लड़कर वो किसान काला कानून वापस लिए जैसा उनके ऊपर दबाव लाए, तब से गांधी परिवार के खिलाफ साजिश चलाए। इसीलिए आज सोनिया जी के और राहुल जी के खिलाफ ईडी केसेस लगाए। मैं ये मन से ये बात कहना चाहता हूँ, नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, आप याद रखो ये केस नहीं, 100 केसेस भी लगाओ यहाँ पर डरने वाले नहीं है, ये कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ता आपके खिलाफ लड़ेंगे और देश युवाओं को रक्षा करेंगे। श्रीमती सोनिया जी और राहुल जी के नेतृत्व में हम लोग आज के तारीख में सड़क में लड़ रहे हैं। आने वाले दिनों में जुलाई तीसरी वार में जो पार्लियामेंट चल रहा है, संसद में भी कांग्रेस पार्टी लड़ेगा, ये युवाओं को न्याय मिलेगा। ये अग्निपथ का स्कीम वापस लिए तक कांग्रेस पार्टी युवाओं से जोड़कर मोदी अमित शाह के खिलाफ लड़ जारी रहेगा हमारे लड़ाई। धन्यवाद मित्रों। स्वामी बोधानंद गोसेव आश्रम सैथापुर, ज्योतिष्यम वास्तु शास्त्रम मन पूर्वीकुलु मनकिच्चिन वरम, దుర్గాదేవి కాలభైరవ ఉపాసనతో వాక్సిద్ధి పొందిన శ్రీ శ్రీ బోధానందగిరి స్వామివారు మీకు ఎలాంటి సమస్యలున్నా వాటిలో ముఖ్యంగా ధన నష్టం, ఆరోగ్య నష్టం, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, ప్రేమించుకున్న వారు దూరం అవడం, ఎన్ని సంబంధాలు వచ్చినా పెళ్లి ముడి పడకపోవడం, రోడ్డు ప్రమాదాలు, అప్పుల బాధలు, వ్యవసాయంలో నష్టాలు, పెద్దల మాట పిల్లలు వినకపోవడం, ఆరోగ్య శాంతి, గృహశాంతి, మనశ్శాంతి లేకపోవడం, ఇలాంటి సమస్యలు ఉన్నట్లయితే ఒక్కసారి స్వామీజీని కలవండి, మీ సమస్యలకు తగిన పరిష్కారాన్ని పొందండి. అంతేకాక అన్ని రకాల వ్యాధులకు గోపంచకవ్య మరియు మూలికా వైద్యం చేయబడును. నమ్మకంతో రండి, ఆయురారోగ్యాలతో వర్ధిల్లండి. మా అడ్రస్ స్వామి బోధానంద గోసేవ ఆశ్రమం సైతాపూర్, వీరభద్రస్వామి గుడి దగ్గర, యాదగిరి గుట్ట. సంప్రదించవలసిన నెంబర్ 9849213755.
9654 మరియు 9618034138.